नालंदा केवल नाम नहीं, नालंदा एक एक पहचान, एक एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र गौरव है, गाथा है। नालंदा है वो इस सत्य का कि आग की लपटों में उस पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन इन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा। आज जब भी टॉप क्लास एजुकेशन की बात होती है तो ब्रिटेन और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज का नाम सबसे पहले आता है। भारत के छात्र हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, MIT जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया से छात्र ज्ञान पाने भारत आते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ ज्ञान का अथाह भंडार था, विज्ञान के सारे प्रयोग थे, तकनीक थी। वो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। एक समय 90 लाख किताबों का घर था और 1500 से ज्यादा आचार्य थे। दुनिया भर से करीब 10,000 छात्र नालंदा में पढ़ने आते थे। आज एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय चर्चे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के समृद्ध अतीत, उनके पतन की कहानी, जिसे 12वीं शताब्दी में तर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जहां पूरी दुनिया ज्ञान अर्जित करने आती थी। दुनिया के सबसे महान शिक्षा केंद्रों में से एक रहा नालंदा विश्वविद्यालय, आज लाल ईंटों का खंडर बनकर रह गया है। इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने कराई थी। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों के संरक्षण में यह विश्वविद्यालय संचालित होता रहा। 1500 आचार्य, 10,000 विद्यार्थी, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें। नालंदा प्राचीन और मध्यकालीन मगध काल में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। अधिकतर स्टूडेंट्स एशियाई देशों जैसे चीन, कोरिया, जापान, भूटान से आने वाले बौद्ध भिक्षु थे। ये छात्र मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते थे। स्थापना के 800 से अधिक वर्षों तक यहाँ विश्वविद्यालय संचालित होता रहा। 6वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का नेतृत्व। ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में भारतीय गणित के जनक कहे जाने वाले आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की और यहाँ अध्ययन किया। बाद में सांग ने इस विश्वविद्यालय में एक विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में काम किया, यही उन्हें मोक्षदेव का भारतीय नाम मिला। 3 महीने तक जलती रही हस्तलिखित पांडुलिपियां। नालंदा पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा हस्तलिखित पांडुलिपियां थी। ये बौद्ध ज्ञान का दुनिया का सबसे समृद्ध भंडार था। ये परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज मौजूद है, उसे यूनिवर्सिटी का वास्तविक कैंपस का बस एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। 3 बार आक्रमणकारियों के निशाने पर आया, खिलजी ने जलाकर ध्वस्त किया। 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को जलाकर खत्म कर दिया। स्कॉलर बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई, वो इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं था। उससे पहले 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार फिर 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से इसे गंभीर नुकसान पहुंचा था। इस महान विश्वविद्यालय की कई गाथाएं मौजूद हैं, जो इसकी महानता को दर्शाती है। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर इसे पुराने स्वरूप में लौटाने की कोशिश हुई है और सरकारों ने इस पर काम किया। 2007 से तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पहल के बाद इसके निर्माण की रूपरेखा बनाई गई थी और आज PM मोदी ने 19 जून को नए परिसर का उद्घाटन किया।